सुदेश बहरे की पहली फिल्म आती है खतरों के खिलाड़ी 1988 में रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1990 में इनकी फिल्म आती है गायल और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर की गई। 1992 में इनकी फिल्म आती है वंश और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 1993 में इनकी फिल्म आती है कायदा कानून और ये फिल्म एवरेज रही। 1994 में इनकी फिल्म आती है फौज और ये फिल्म फ्लॉप रही। 1995 में इनकी फिल्म आती है पुलिस वाला गुंडा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1995 में ही इनकी फिल्म आती है वीर गति और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 1995 में इनकी फिल्म आती है आर्मी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है शोहरत और ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। 1997 में इनकी फिल्म आती है बॉर्डर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर की गई। 1999 में इनकी फिल्म आती है शंकर शंभू और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2000 में इनकी फिल्म आती है रिफ्यूजी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रही। 2000 में इनकी फिल्म आती है वो बेवफा है और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है बेचैनी और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2001 में इनकी फिल्म आती है खतरों के खिलाड़ी और ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। इसके बाद इनकी फिल्म आती है अवगत और ये फिल्म फ्लॉप रही। 2002 में इनकी फिल्म आती है ईंट का जुआ पत्थर और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है माँ तुझे सलाम और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 2002 में ही इनकी फिल्म आती है क्या दिल ने कहा और ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है आखिरी इंतकाम और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2002 में इनकी फिल्म आती है काबू और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2003 में इनकी फिल्म आती है आज का अंधा कानून और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है बॉर्डर हिंदुस्तान का और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2003 में ही इनकी फिल्म आती है एलओसी करगिल और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2004 में इनकी फिल्म आती है वजह और ये फिल्म डिजास्टर करार दी गई। 2005 में इनकी फिल्म आती है अनलिमिटेड नशा और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2005 में ही इनकी फिल्म आती है टैंगो चार्ली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2006 में इनकी फिल्म आती है कठपुतली और ये फिल्म डिजास्टर करार दी गई। इसके बाद इनकी फिल्म आती है उतहन और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2008 में इनकी फिल्म आती है वफा और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2009 में इनकी फिल्म आती है रॉयल उत्सव और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है शाबाश यू कैन डू इट और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है 99 और ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। 2010 में इनकी फिल्म आती है रू और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2010 में ही इनकी फिल्म आती है एडमिशन ओपन और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2012 में इनकी फिल्म आती है दाल में कुछ काला है और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आती है सिगरेट की तरह और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2013 में इनकी फिल्म आती है देखा जो पहली बार और ये फिल्म डिजास्टर करार दी गई। 2016 में इनकी फिल्म आती है सनम तेरी कसम और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2018 में इनकी फिल्म आती है किराना और ये फिल्म डिजास्टर रही। 2022 में इनकी फिल्म आती है राजनंदनी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।